وقال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. अल्लाह हमारी तरफ से किसी चीज के मोहताज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तरफ से किसी चीज के मुंतजर नहीं है, किसी चीज के मोहताज नहीं है। वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिह इन्नल्लाहा लगनीयुन अनिल आलमीन। जो कोई खैर कर रहा है अपने लिए, जो कोई मेहनत कर रहा है अपने लिए कर रहा है, दुनिया की मेहनत कर रहा है उसका फायदा उसी को, आखिरत की मेहनत कर रहा है उसका फायदा उसी को। जो पाबंदियों में है, आजादी की जिंदगी नहीं गुजार पा रहा, उसने अपने आप को हुदूद का, कयूद का पाबंद किया हुआ है, उसका फायदा किसको है? उसी को है। अल्लाह को किसी की इबादत का, किसी की हुदूद और कयूद की पाबंदी का कोई फायदा नहीं है। यह सब हुदूद और कयूद हमारे फायदे के लिए है, सब उसूल और फुरू हमारे लिए हैं। मिन जुमला उन चीजों के जिनका अल्लाह ने हमें पाबंद किया है, एक चीज बहुत अहम उसमें से अपनी औलाद की तरबियत है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत, उनको नेकी की तलकीन शुरू दिन से लेकर जब तक माँ बाप जिंदा हैं, उनका सांस बाकी है, उनके जिम्मे है बच्चों की तरबियत करना। और इसकी, इसका सबसे आइडियल वक्त, इसका सबसे बेहतरीन वक्त, सबसे मुफीद वक्त वो बचपन है, जिसमें तरबियत जरूरी भी है और इस उम्र में तरबियत आसान भी है। और बचपन की तरबियत बचपन तक चलती है, बचपन की तरबियत कब तक है? बचपन तक, बुढ़ापे तक, फिर आप भूल जाए। बस एक दफा मेहनत की, जब मेहनत करनी चाहिए। देखें, पौधा जब छोटा होता है, नर्मो नाजुक होता है, उसका रुख आप अपने तरीके से क्या कर लेते हैं? सीधा कर लेते हैं। जब जब वो तनावर दरख्त हो जाए, फिर उसकी साइड चेंज करना, उसको दाएं करना, उसको बाएं करना, उसको आगे करना, उसको पीछे करना मुमकिन रहता है? नहीं, फिर नहीं। छोटी उम्र में तरबियत, छोटी उम्र में खैर की बात बच्चों को सिखाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका, सहाबा इकराम का भी यही तरीका,
जी, और साहबियात का भी यही तरीका, हमारे बुजुर्गों का भी यही तरीका। हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जिनके हम नाम लेवा हैं, आज हम बड़ी मोहब्बत और अकीदत से, बड़ी अजमत और इज्जत से उनका नाम लेते हैं, उनके माँ बाप का भी यही तरीका। उन्होंने इन बुजुर्गों की जब ये बचपन में थे इनकी ऐसी ही तरबियत की। चुनाचे फिर बड़े आदमी बने। अगर हम इस तौर की तरबियत नहीं कर सकते कि बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने, कम से कम ये तो हो कि बच्चा मुआशरे का एक अहम तरीन फर्द बने, मुआशरे का एक जिम्मेदार फर्द बने, मुआशरे का एक अच्छा फर्द बने, जिसे तौर तरीके आते हों, जिसे अदब आदाब से वाकफियत हो, कम से कम ऐसा तो बने, जिसको कोई तमीज तहसीब हो, जिसे नफे नुकसान का इल्म हो, ऐसा फर्क तो बन जाए। चुनाचे के सारा कुछ क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी, जिनको अल्लाह ने मां बाप के दर्जे पर फाइज किया। किसी वक्त में वो बिल्कुल सिंगल थे, अलग थलग अपनी जिंदगी, अपने माँ बाप के जेर साया। आज अल्लाह ने उन्हें माँ बाप बनाया, उन्हें औलाद दी, बेटे दिए, बेटियां दी, तो अब उनके फराइज बढ़ गए, उनके जिम्मे बहुत अहम फर्ज लग गए। तो बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों को नेकी सिखानी है, बच्चों को अच्छाई सिखानी है। दीन दुनिया, दीन तो है ही सारा अच्छा, दुनिया के जितने अच्छे तौर तरीके हैं वो सारे बच्चों को सिखाने हैं। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेरे किफालत एक छोटे बच्चे थे, गालिबन उनका नाम है हजरत आमर बिन अबी सलवा, अल्लाह कभी बेशी माफ कर दें। ये छोटे बच्चे थे, खाना लगा हुआ था, तो भागते भागते आए और खाने में शामिल हो गए, खाने में भी शामिल हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेरे तरबियत थे, जेरे किफायत थे। आपने इशारत और शराब ने फौरन वहां जो तरबियत की बात थी वो फरमाई, फौरन जो सीखने की बात थी वो उनको सिखाई, जो सिखाने की बात थी उन्हें सिखाई, और फरमाया या औला, अरे लड़के सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले, वकुल भी यमीनी का, दाएं हाथ से खाना खाओ, वकुल मिम्मा यदीक, और अपने आगे से खाना खाओ। उनसे खुद से ये रिवायत है कि मैं छोटा बच्चा था, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत और तरबियत में था, खाना लगा हुआ था, मैं आके शामिल हुआ, मेरा हाथ प्लेट में इधर उधर घूम रहा था, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुझे ये बातें इरशाद फरमाई कि ऐ लड़के है बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाएं हाथ से खाना खाओ, अपने सामने से खाओ। सहाबा ने या सहाबियात ने कभी ये नहीं कहा बच्चे की गलती देखकर, बच्चा है अभी तो छोड़ो। एक सहाबी है अब्दुल्ला बिन मुवफ्फल रज़ियल्लाहु तआला, उनके रिश्तेदारों में से एक बच्चा पत्थर छोटे छोटे कंकर उठा उठा के ऐसे फेंक रहा था, ऐसे फेंक रहा था, ऐसे फौरन उसको रोका, फौरन उसको रोका, जिसका मफहूम है, फरमाने लगे इससे कोई शिकार तो होगा नहीं,
घुलेर पे रख के मारते हैं पत्थर, क्या इससे कोई शिकार तो होगा नहीं, कोई परिंदा तो इससे मरने वाला नहीं, कोई जानवर तो इससे मरने वाला नहीं। हाँ, किसी को लग गया उसकी आंख जरूर निकल जाएगी, किसी को लग गया उसको छोटा बड़ा जख्म जरूर आ जाएगा। हमारे जमाने में यूं कह दो, शीशा जरूर टूटेगा, खराश कहीं पर किसी को जरूर आ जाएगी। इसका क्या फायदा है पत्थर उठा उठा के ऐसे फेंकना मारना, इसका दुख क्या बनता है? चुनाचे फौरन उनको मना किया, ये नहीं कहा बच्चा है चलो कोई बात नहीं, किसी का सर फाड़ दे, किसी की आंख निकाल दे, किसी का खून निकाल दे, किसी का बल्ब तोड़ दे, है किसी गाड़ी का शीशा तोड़ दे, किसी गाड़ी में खराश डाल दे, कोई बात नहीं है। छोटी उम्र में बच्चे की तरबियत, छोटी उम्र में बच्चे को समझाना बुझाना। पीरा ने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया पुराने लोगों ने उर्दू की किताबों में, पहले सिलेबस में था, ये उर्दू के सिलेबस में था, हमारे स्कूलों के सिलेबस में था ये, कि वो बगदाद गए अपने इलाके से पढ़ाई के सिलसिले में, तो माँ ने 40 दिनार उनके गरबन आस्तीनों में सी दिए, बाजुओं में सी दिए। अब वो जिस काफिले के साथ जा रहे थे उसको डाकुओं ने घेर लिया, लूट लिया। अब इसकी इनकी तलाशी ले रहे हैं तो इनके पास से कुछ नहीं निकल रहा, कहा कहाँ है, तो मेरे पास पैसे हैं, झूठ नहीं बोला, तो मेरे पास पैसे हैं, तलाशी ले रहे नहीं निकल रहे। वो पकड़ के इसको अपने, वो जो इनका सरगुना था सरदार था उनके पास लेके, तो ये बच्चा कह रहा है मेरे पास पैसे हैं, तलाशी लेने पर नहीं निकल रहे। अरे कहा किधर है तुम्हारे पास पैसे, तो मेरी अम्मी ने यहां सीए हैं इधर, ये देखे। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि लोग तो ऐसे वक्त में अपनी चीजें छुपाते हैं और छुपाने भी चाहिए, छुपाना जायज भी है, ये कैसा बच्चा है जो ये कह रहा मेरे पास 40 दिनार हैं, बड़ी दौलत थी, 40 सोने के सिक्के बड़ी चीज थी। तो उसने कहा जब वो धागा खोला तो सिक्के बरामद हो गए। अब वो कहने लगा चोरों का जो सरदार था कि तुमने क्यों बताया, तुम आसानी से छुपा सकते थे, तुम क्या सकते थे मेरे पास नहीं है पैसे, तुमने ये क्यों कहा कि मेरे पास पैसे हैं, और फिर तुमने ये क्यों बताया कि मेरे यहां सिले हुए हैं, तलाशी लेने के बावजूद पैसे नहीं निकले, तो तुमने आज खुद क्यों बताया, क्या बात है? तो वो कहने लगे कि मेरी माँ ने मुझे कहा था झूठ नहीं बोलना सारी जिंदगी, झूठ नहीं बोलना कुछ भी हो जाए। चुनाचे मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी माँ की भी नाफरमानी है, अल्लाह ने भी झूठ बोलने से मना किया है, बस ये बच्चे की तरबियत हुई थी उसकी जुबान से ये निकला और उस डाकुओं के सरदार की काया पलट गई। वो जो गुनाहों के नीचे दबा हुआ ईमान था उसने जोश मारा और उसने तौबा की और कहा ये बच्चा कितना अच्छा है, अपनी माँ की बात मानता है और इसने झूठ नहीं बोला और इसने अपने माल की परवाह नहीं की, इसने हमारी कोई परवाह नहीं की, और मैं कितना बदबخت आदमी हूँ कि अल्लाह का भी नाफरमान हूँ और मैंने मजलूम पर, मैंने लोगों पर कितने जुल्म किए हैं, है तौबा इस्तिग़फ़ार किया और फिर सही रास्ता लेकर उस पर चलने की है उसने नियत की और सही जिंदगी गुजारने की नियत की उसने। पहले बच्चों की ऐसे तरबियत होती थी,
आज जो हम नाम लेते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का नाम सुना होगा, क्यों नहीं, कौन नहीं जानता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, कौन नहीं जानता। हजरत उमर तो खुलफाए राशिदीन में से हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा बाद के हैं, लेकिन उन्होंने खुलफाए राशिदीन के सारे तौर तरीके सब कुछ अपनी हुकूमत और खिलाफत में जिंदा किया, इसीलिए उन्हें खुलफाए खलीफा राशिद भी कहा जाता। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी खलीफा राशिद कहा जाता है। वैसे तो खुलफाए राशिदीन चार हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अजमाईन। लेकिन हजरत अमीर मुआविया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, दोनों हजरात ने, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी हुकूमत की कि अगर किसी और को खलीफा राशिद कहा जाता तो इन दो को कहा जाता, ऐसी शान थी दोनों की। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आदत थी रात को मदीने में गश्त किया करते, चल फिर के देखते थे लोगों के हालात, बल्कि मदीने के चारों तरफ आबादी के बाहर भी कष्ट किया करते थे। गुलाम साथ होता था हजरत असलम रजी अल्लाह तआला, तो ऐसे ही कष्ट कर रहे थे तो थक गए, थोड़ा सस्ताने के लिए एक मकान की दीवार के साथ लग के जरा बैठे। तहज्जुद का वक्त था, मकान के अंदर से आवाज आई एक खातून की कि बेटी दूध में थोड़ा पानी मिला दो, बेटी दूध में थोड़ा पानी मिला दो, दूध बढ़ जाएगा। तो वो लड़की कहने लगी कि ना, मैं तो नहीं मिलाऊंगी पानी। अमीर मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी नहीं मिला, खालिस चीज बेचनी है, गड़बड़ नहीं करनी, मैं तो नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा अमीरुल मोमिनीन कौन सा बेटा देख रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन कौन सा यहाँ घर में है, तुम पानी मिलाओ कौन सा पता लगेगा। तो बच्ची कहने लगी अच्छा अम्मा, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है, अल्लाह किधर है, अल्लाह किधर है। अच्छा मैं इसको यहां स्टॉप करता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला सफर में थे, एक जगह रुके, कुछ खाना पीना चाहा तो देखा एक चरवाहा वहां से गुजर रहा है। उससे कहा यार हम मुसाफिर हैं, हमें एक बकरी दे दो, हमें एक बकरी दे दो। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो साहबी हैं, बड़े मुहद्दिसीन में उनका शुमार है, सहाबा में बड़े उलमा में उनका शुमार है, सहाबा में बड़े मुत्तकियों में उनका शुमार है, सहाबा के अंदर जो पहली सफ के मुत्तबीईन सुन्नत थे उनमें उनका शुमार है। उन्होंने कहा अच्छा देखें सूरत हाल क्या है। कहने लगे वो चरवाहे कहा भाई बकरी दे दो, एक हम पकाए खाएं। उन्होंने कहा कि भाई साहब बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो चरवाहा, मालिक कोई और है, तो मालिक की इजाजत के बगैर नहीं दे सकता। तो वो कहने लगे यार इतनी सारी बकरियां हैं, मालिक को क्या पता लगे, मालिक को क्या पता लगे। कह रहा भेड़िया खा गया था, लग भी गया, गिनती कर भी ली अगर उसने, कह रहा भेड़िया खा गया था। तो बेसाख्ता उस चरवाहे ने कहा मालिक को तो कह दूंगा फाइन अल्लाह, अल्लाह किधर जाएगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मेरी और तेरी ये सारी कार्रवाई मालिक से तो छुप जाएगी, अल्लाह के सामने सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि बकरी का क्या किया है। वो जुमला हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला के दिल में ऐसा पैपस्त हुआ के जिंदगी में कई दफा बेसाख्ता बैठे बैठे कहीं बैठे हैं जुबान से निकलता था फाइन अल्लाह, फाइन अल्लाह,
एक चरवाहा कहता है फ़ाइन अल्लाह। चरवाहों की भी इतनी तरबियत थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये गुफ्तगू सुन रहे थे, चले गए अपने गुलाम असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पता करवाया कि ये घर किसका है, घर का मर्द कौन है। तो पता लगा कि जी मर्द तो नहीं है, एक बेवा औरत है और उसकी एक बेटी है, दो लोग घर में रहते हैं, माँ बेटी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस लड़की का रिश्ता अपने बेटे के लिए तलब किया। बेटे से शादी हुई, उससे एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम गालिबन उम्मे आसिम था या क्या था, आराम। इस औरत की, इस लड़की की जो बेटी पैदा हुई, वो जब बड़ी हुई तो उस बेटी की शादी मिस्र के गवर्नर अब्दुल अजीज से हुई। उस अब्दुल अजीज और उसकी बीवी की शादी के बाद उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा उमर, और वो बने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ऐसी हुकूमत की कि 2.25 साल के अरसे में उनके दौरे खिलाफत में पूरी इस्लामी ममलकत और सल्तनत के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो ज़कात का मुस्तहिक हो, जो इतना गरीब हो कि उसको ज़कात दी जा सके, सारे अमीर थे। फिर उनके जेरे साया, मैं पिछले दिनों एक किताब में पढ़ रहा था, उनके जेरे साया एक साहब थे जिनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत में, जिनका नाम था मोहम्मद बिन उरवा। वो यमन के गवर्नर बनकर यमन में आए, जब वो आए तो सारे यमनी उनके इस्तकबाल के लिए सरहद पर बॉर्डर पर आए, और उन्होंने बड़ी तैयारी की हुई थी, सब गवर्नर साहब आएंगे, हटो बचो प्रोटोकॉल फलाना ढिका ये वो इधर उधर। मोहम्मद बिन उरवा दाखिल हुए एक सवारी, एक खुद अकेले और कुछ साथ नहीं, और लोगों ने कहा अब गवर्नर साहब बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे, यूं समझाएंगे वो करेंगे और ये बात कहेंगे वो बात कहेंगे। तो हरफी तकरीर की, लोगों देखो मैं तुम्हारा गवर्नर हूँ, मेरा नाम मोहम्मद बिन उरवा है, ये मेरी सवारी है और ये वाहिद चीज़ है जो मेरी मिल्कियत में है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा अगर कोई और चीज़ मेरी मिल्कियत में मेरे हाथ में तुम्हें नजर आई तो तुम्हें मुझे चोर समझने का पूरा हक है। जब इनका तबादला हुआ कहीं और गए तो निकलने लगे, लोग रो रहे थे, लोग इनको बॉर्डर पर छोड़ने के लिए आए, रुखसत करने के लिए आए। फिर लोगों ने कहा शायद आप गवर्नर साहब लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे, तो गवर्नर ने दो जुमले कहे, लोगों जब मैं आया था मैं था, मेरी सवारी थी, मैंने कहा था मेरे पास कोई तीसरी चीज हो तो मुझे चोर समझा जाए, अब मैं जा रहा हूँ, मैं हूँ, मेरी सवारी है, कोई दूसरी तीसरी चीज मेरे पास नहीं है, और चले। ऐसी तबीयत होती थी। लुकमान अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने तफसील से जिक्र किया, अपने बेटे को लेके बैठे हुए, वो इब काला लुकमान लिबनिही, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कह रहे हैं, वो हुए यईदुहु, उसे समझा रहे हैं, उसे नसीहत कर रहे हैं, उसकी तरबियत कर रहे हैं। आज हम बच्चों को लेके बैठते हैं, ईमानदारी के साथ बताएं, सोचें हम में से कितने लोग हैं जो 10 मिनट 15 मिनट जो आध घंटा घंटा अपने बच्चों को लेके बैठते हो कोई अच्छी बात सिखाने के लिए। चलो हम हमारे पास इतनी स्पीकिंग पावर नहीं है,
हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, हमारे पास इतने अपने अल्फाज नहीं है, ना सही। मेरे भाइयों, हम कोई किताब तो पढ़ सकते हैं, हम कोई किताब तो पढ़, सीरत नबी की कोई किताब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी हिदायत और तरबियत के लिए अव्वल और आखिर है, क्या वो भी नहीं पढ़ सकते? हमारे नबी की और बेसत से पहले, नबूवत से पहले के भी वाकयात महफूज है, बहुत सारी जिंदगी उस वक्त की भी महफूज है। अपने बच्चों को लेके बैठना, हमारे बच्चे दो दो घंटे लगातार कंटिन्यू, दोनों घंटे मुसलसल है मोबाइल और कार्टून और गेमें और फुलाना और फुलाना, बच्चों की पढ़ाई अलग बर्बाद हो रही है, जिंदगी अलग बर्बाद हो रही है, हैं बच्चों की हैं तालीम का अलग बेड़ा अलग हो रहा है, और जिंदगी जो जाया हो रही है जिंदगी कार्टून देखने के लिए। बच्चों को अच्छी बात किस वक्त सिखाएंगे? अभी तो बच्चा है। पिछले दिनों मैंने एक जगह एक वाकया पढ़ा, एक और एक 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 साहब आए एक मुफ्ती साहब के पास, बहुत अफसरदा रोने लगे, कह रहे क्या हुआ मुफ्ती साहब? पूछा भी क्या हुआ, तो वो साहब कहने लगे कि मुफ्ती साहब आज मेरे बच्चे ने मेरे सामने बदतमीजी की, वो आज मेरे सामने खड़ा हो गया आज बागी की तरह। क्या हुआ? कहने लगे मैंने फजर में उठाया, वो उठ नहीं रहा था, मैंने एक थप्पड़ दिया उसे, तो बच्चा उठ के खड़ा हो गया। आपने क्यों मारा मुझे? कौन होते हैं आप मुझे मारने वाले? तो मुफ्ती साहब कहते हैं, मैंने कहा कि उसकी उम्र कितनी है? अरे 19 साल। तो कहा बुरा मत मानिएगा, इस मार में सरासर आपका कसूर है, आपने 9 साल देर से इस बच्चे को थप्पड़ दिया। 10 साल की उम्र में हुजूर का हुक्म है बच्चा नमाज ना पढ़े उसे मारो, उस उम्र में आपने कुछ नहीं कहा होगा, अब आपको जलन और कुड़न और तकलीफ है कि मेरा बच्चा बेनमाजी है, 19 साल में आपने थप्पड़ मारा, आपने 9 साल देर से थप्पड़ मारा, जो 10 साल की उम्र में मारना चाहिए था वो आपने 19 साल में मारा, तो वो आपके सामने खड़ा ही होगा। छोटी उम्र में बच्चों को लेकर बैठे, खुदा के लिए उनको समझाएं, अखलाक को अतवार समझाएं, तामीरी जहन दे बच्चों को, बच्चों को यह सिखाएं बेटे किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का बलव नहीं तोड़ना। पिछले दिनों मेरे एक शागिर्द हैं, माशाल्लाह मुफ्ती भी बन गए, PhD कर ली, डॉक्टर बन गए, उन्होंने मुझे, वो एक स्कूल में टीचर है, उन्होंने 7वीं 8वीं 9वीं जहाँ जहाँ उनका पीरियड था उन्होंने उन बच्चों को एक जगह जमा किया, मुझे बुलाया बात के लिए कि इनमें ज़रा बात करें। उनमें मैं समझे शायद बच्चे बड़े होंगे, मैंने उस हिसाब से तैयारी की थी, अब वो जब गया तो वो छोटे छोटे बच्चे थे। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ आता है इनमें बच्चों के हिसाब से बात करते हैं। उनमें मैंने यही बात की, आप लोग, मैंने कहा वो प्लास्टिक की बंदूकें लेते हैं। फिर मैंने कहा सच सच बताएं कि उसका जो अंडा होता है छोटा सा दाना होता है उससे क्या तोड़ते हैं? यकीन करें तकरीबन को 35 से 40 बच्चों ने ये कहा कि बल्ब तोड़ते हैं उन लोगों के बल्ब तोड़ते हैं। आप ये मुझे ये बताएं कि ये तामीरी काम कर रहे हैं या तकरीबी काम कर रहे हैं? क्यों जी बताओ तो सही यार, ये तकरीबी काम है। कोई असलहा नहीं, तीर नहीं, तलवार खंजर छुरी नहीं, बंदूक नहीं, कोई नोकीली चीज किसी मुसलमान की तरफ यूं करना ये हराम है, गुनाह कबीरा है। सिर्फ यूं करना, उसकी तरफ इशारा करना नहीं, क्यों क्या इशारा, नीचे करो, इसको नीचे करो, किसी की तरफ रुख नहीं करना, दाएं बाएं करो, ऊपर नीचे करो, किसी की तरफ इसका मुंह नहीं करना, नौकीली चीज।
अब तो बच्चे बंदूकें लेकर, चाहे वो प्लास्टिक की हैं, एक दूसरे का निशाना लेते हैं। अल्लाह ना करे इनके हाथ में असल बंदूक आ जाए तो वही काम करेंगे जो प्लास्टिक वाली का कर रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने बच्चों का ख्याल करना, छोटी उम्र में और ये क्या करें जी, बच्चे हैं, बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े मास्टर और उस्ताद वो कह रहे हैं क्या करें जी, बच्चे हैं, चलो जी चलदा जी सारा कुछ, इतनी भी शक्ति ना करया करो जी। पिछले जुमे जो कयामत गुजरी, मैंने उसमें देखा कुछ बच्चों के वालदैन को मैं बुलाया, मैंने देखी जाएगी क्या होता है। मैं तो वैसे बुरा हूं, कोई बात नहीं है, बुरा बनता हूं और सही थोड़ा सा, पहले इनके बच्चों के सामने बुरा बना, अब मैं अच्छा। मैंने उसमें तमीज नहीं की कि मैं सिर्फ अपने मदरसे या अपने ताल्लुक वाले के बच्चों को बुलाऊ, मैंने जो दूर पड़े का भी था ना उसको भी बुलाया, इधर आए आपके बच्चे ने, एक आज एक साथ को मैंने घर बुलाया, मैंने कहा मेरे घर आके मुझे मिलेगा। उसको मैंने कहा आपकी कितनी कमाई है, वो कहने बस छोटा मोटा काम है, फुला है फुला है फुला है। अच्छा, तो मैंने कहा आपके बच्चे से जरा मैंने पूछताछ की, जरा मैंने पूछा, उसने कहा जी मेरे पास 200 पतंगे थी। मैंने कहा वो तुमने पैसे मिला के ली या खुद ली? ना खुद ली मैंने, आपने पता किया? उसका बाप हैरान है कि इसने 200 पतंगे कैसे ले ली, 200 पतंगे कैसे खरीदी। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अपनी अपने बच्चों की फिक्र करें, नहीं तो जो हमारे मरने के बाद जो मरहला आएगा ना, जब ये बड़े होंगे तो यकीन माने बस वो क़यामत का ही मंजर होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन सब बातों की समझ अता फरमाए, इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।